हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको समय चाल व दूरी के यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को बताऊंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं समय चाल व दूरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। ये हमारा यहाँ पे पार्ट नंबर फोर है हमारा। इससे पहले हम यहाँ पे तीन पार्ट पढ़ चुके हैं इसके, जिनमें हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के महत्वपूर्ण यहाँ पे टाइप पढ़े उनके, और महत्वपूर्ण ट्रिकें पढ़ी और बेसिक फंडे। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये हमारे जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है, जिसे कंपटीशन में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं मैथ्स में, तो इसको जानना आवश्यक है। और इनकी ट्रिक हम पढ़ेंगे जिनके हैं से हम बहुत कम टाइम में इनको सॉल्व कर सकें। तो देखिए, हमारे यहाँ पे पहली यहाँ पे ट्रिक आती है। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे ट्रिक है महत्वपूर्ण यहाँ पे ट्रिक, देखिए किस केस में हमारी लागू होगी। यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी डी तय करता है, अब कोई व्यक्ति एक दूरी डी तय कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई दूरी है, ये डी दूरी है, और इसको कोई व्यक्ति तय कर रहा है। और यदि वह S1 तेज चाल से चलता है तो तय करने में T समय कम लगता है। यदि वह कोई जो है S1 चाल है उससे तेज चाल से चलता है, चाल यदि बढ़ा दे S1 चाल से चले तो उसे जो है T समय कम लगता है। यहाँ पर इतना T समय यहाँ पर कम लग रहा है, -T। और यदि वह S2 चाल से चलता है, S2 धीमी चाल से, अब यहाँ पर S1 तेज चाल से चल रहा था, अब S2 जब धीमी चाल से चलने लगता है तब उस केस में उसे T समय ज़्यादा लग जाता है उसी दूरी को तय करने में, जो हमारी D दूरी है। तो यहाँ पर हमें बताना है, इस केस में हमें बताना पड़ता है कि वास्तविक चाल उसकी क्या होगी। ये हमारी दोनों की दोनों यहाँ पर अलग अलग चाल हैं, जो फास्ट और कम चलने पर उसकी जो निश्चित चाल है वो तो कोई जो है हमारी अलग है, लेकिन यदि हम उसी चाल में जो है, जैसे यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, हमने कह दिया कि यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो यह इतना कम समय लेता, और यदि यह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो इतना समय ज़्यादा लेता। तो वास्तविक चाल तो उसकी 4 घंटे है, लेकिन हमने वहाँ पर अलग अलग चालें दे दी, तो उस केस में हमें देखिए कैसे निकालेंगे वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल हमारी एस मान लेते हैं, एस बराबर हो जाएगी 2 गुणा S1 गुणा S2 बट्टे S2 माइनस S1। तो ये होगी हमारी ट्रिक यहाँ पे, जब हमें वहाँ पे ये चीज़ें दी होंगी और हमें निकालना होगा वहाँ पे जो उसकी वास्तविक चाल है, एक्यूरेट स्पीड निकालनी हो, तब हम उस केस में इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वहां पर हमें दो अलग अलग स्पीड है, यहाँ पे इतनी चाल से तेज चले और इतनी चाल धीमी चाल से चले दिया होगा, और उस समय हमें वास्तविक चाल निकालनी पड़ेगी, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इजीली जो है हम वास्तविक चाल को निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस थ्योरम से यहाँ पे इस ट्रिक से रिलेटेड हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे अक्सर यहाँ पे एग्जाम पूछे जाते हैं। मोहन एक निश्चित दूरी को यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेज चलता है तो 1 घंटे पहले तय कर देता है उस दूरी को, और यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धीमा चलने लगता है तो 1 घंटे बाद उस दूरी को तय करता है। तो बताइए कि उसकी वास्तविक चाल क्या है। ये हमारा सेम ऊपर वाली ट्रिक की तरह है। यहाँ पर हमारी जो दो चालें हैं S1 और S2, वो हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारी इतनी तेज और धीमा चाल से चल रहा है, और हमारा समय यहाँ पे निश्चित समय है, फिक्स है, 1 घंटा कम और ज्यादा लग रहा है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तविक चाल जो हो जाएगी हमारी, एस इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, 2 गुणा सालों का गुणा कर देंगे 3 गुणा 2 और बट्टे सालों का अंतर 3 माइनस 2, तो बराबर क्या आ जाएगी हमारी चाल, क्या आ जाएगी 2 गुणा यहाँ पे 6 आ जाएगी, बट्टा 1 हो गया, तो यहाँ पर 6 दुनी 12, तो इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा
इसकी वास्तविक चाल आ गई इस तरह से। तो हम कहेंगे कि मोहन जो है, मोहन की जो वास्तविक चाल थी वो क्या थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, इस ट्रिक का यूज़ करके, इस तरह के क्वेश्चनों को। जब भी आपसे स्पीड और ये वाले पूछे जाएंगे, आप इस तरह के इस तरह ट्रिक का यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ट्रिक है। इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन हमें अक्सर पूछे जाते हैं। यदि एक्स मीटर लंबी ट्रेन वाई मीटर लंबी प्लेटफॉर्म पर एस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो प्लेटफॉर्म पर पार करने में लगा जो समय होता है वो क्या होता है। देखिए, जब हमारी एक यहाँ पे ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन है और इसकी जो लंबाई है वो एक्स है, और एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वाई है। अब हमें ये बताना है कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में यह ट्रेन कितना समय लेगी, और इसकी स्पीड हमें एच दे रखी है। अब देखिए इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे केवल दूरी से मतलब होता है, क्योंकि हमें पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी इस केस में, केवल दूरी निकालनी पड़ती है, हमें ध्यान देना पड़ता है। दूरी देखिए इस केस में हमारी जो ट्रेन की लंबाई है वो प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो हो जाती है, और हमारी चाल जो हमें दी है वो हो जाती है। तो यहाँ पे समय क्या लगेगा, समय टी बराबर लगेगा, जो वो हमारा एक्स प्लस वाई टोटल दूरी हो गई बट्टे चाल हमारी एस हो गई। तो ये ट्रिक होती है हमारी, इसी का यूज हम करते हैं यहाँ पर इसको निकालने के लिए। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ पे समय आ गया, और यदि आपको समय दे दिया जाए तो आप स्पीड निकाल सकते हैं, या फिर इसी तरह से लंबाई प्लेटफॉर्म की या ट्रेन की, जो भी आपसे इन चार चीज़ों में से टी एक्स वाई और एस में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको तीन चीज़ें दी होंगी और चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी, और आप यहाँ पे इजीली निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसी में हमारी जब ये हमारी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय निकालने के लिए हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसी में, यहाँ पे जब हमें केवल दिया हो कि ट्रेन की लंबाई बराबर एक्स मीटर है मान लीजिए, और हमें दिया है, हमें पूछा गया है कि खम्बे को पार कितने समय में करेगी, और हमें मान लीजिए चाल दी है, वही चाल बराबर एच दी है, और खम्बे को कहे या किसी बत्ती को कहे, खम्बे को कहे या किसी व्यक्ति या किसी लाइट को पार करने में लगा समय, तो ये समय हमें निकालना हो इस केस में। तो आपको ध्यान देना होगा उस केस में वह केवल अपनी ही दूरी को तय करेगी, जितनी उसकी लंबाई है उसी दूरी को तय करेगी वो, और उसे तय करने में जो समय लगेगा वही उस खम्बे को पार करने में समय लगेगा। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं, जब आप जैसे एक खम्बा है यहाँ पे, मान लीजिए खम्बा है या कोई व्यक्ति है या कोई लाइट है, कुछ भी है, और ट्रेन यहाँ से चली, मान लीजिए ट्रेन की ये लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है यहाँ पे एक्स। अब देखिए इस खम्बे को कब पार करेगी वह, जब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को तय कर लेगी तब इस खम्बे को पार कर देगी, अर्थात यह एक्स, यहाँ पर हमारा जो समय होगा, समय टी बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारी एक्स है और चाल क्या है उसकी, एस है। तो इस केस में हमारी टी बराबर एक्स अपॉन एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्लेटफॉर्म नहीं है हमारा यहाँ पर केवल एक व्यक्ति या कोई खंभा है, और हम उसकी लेंथ को यहाँ पर नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन एस आ जाएगा, और आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया हो कि जो है एक ट्रेन की लंबाई जो है 10 मीटर है या फिर यहाँ पे किलोमीटर में दी होगी, तो 10 जो है 5 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है, और मान लीजिए वो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपको निकालना है वह उस खम्बे को या उस व्यक्ति को या उस बत्ती को पार करने में कितना समय लेगी। तो आप सीधे वहाँ पे दूरी और रेल की लंबाई रखेंगे और बट्टे
समय जो उसकी जो स्पीड है उसको रखेंगे तो आपको इजीली वहाँ पे उसका समय मिल जाएगा कितने समय में उसे पार करेगी। और इस तरह के आप अदर क्वेश्चन यहाँ पे ले सकते हैं प्रीवियस ईयर में आई हुए कंपटीशन के पेपरों से, और उनको इन ट्रिकों का यूज़ करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हमारी जो है अगली और भी हम ट्रिक यहाँ पे इससे रिलेटेड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके थैंक्स।